विस्फोटक सुरक्षा संगठन को आज पूरे 122 वर्ष हो चुके हैं। यह संगठन रिफाइनरीज, पेट्रोलियम के बड़े टर्मिनल, एलपीजी आदि के व्यापक नेटवर्क और लाखों भंडारण और वितरण परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जोखिम और जिम्मेदारियों से भरे कार्यों से सावधान रहने के साथ ही पीएसओ एक बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। माना जाता है कि भारत में रेलवे की वेबसाइट के बाद शायद सरकारी संगठन के लिए पीएसओ की दूसरी सबसे व्यस्त वेबसाइट है। अब तक इस संगठन ने विभिन्न खतरनाक सामानों के संचालक के लिए 256,000 लाइसेंस जारी किए हैं। यह भारत का ऐसा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में स्थित है, जिसे 100 साल के ऊपर हो चुके हैं। इस कोविड महामारी में जब ऑक्सीजन सप्लाई देश भर में एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है, तब यह संगठन कोविड वॉरियर्स के रूप में सामने आया है। नोडल ऑफिसर्स नियुक्त कर यह संगठन इस बात की पुष्टि करता है कि देश भर में ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंचे। संगठन में काम कर रहे कर्मचारी कोविड वॉरियर्स और सेफ्टी वॉरियर्स की भूमिका में उभर कर आए, ऐसा आलोक मिश्रा इन्होंने खास इंटरव्यू में कहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ रत्नाकर मोड़े की रिपोर्ट, NBCN न्यूज, नागपुर। यहाँ हम लोग का डेली मोस्टली काफ़ी सारे रिफाइनरी आउटलेट, एविएशन, बहुत सारे सारे काम जो है हमको पैसों से ही अप्रूवल लेना पड़ता है। जो भी स्टोरेज लाइसेंसेज हैं, ये सब का हमको अप्रूवल, परमिशन, कोई भी इंपोर्ट परमिशन, ये सब चीज़ हमको यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ता है। इंडिया का हेड ऑफिस ये है, तो मोस्टली सारी अप्रूवल्स वगैरह सब यहीं से हमको लेना पड़ता है। बहुत सहयोग मिलता है हमको, और इनके सहयोग और गाइडलाइन से हमको बहुत सारे सेफ्टी में हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट होने के जो चांसेस रहते हैं बहुत कम रहते हैं, बिल्कुल नेग्लिजेंसी, और होते भी नहीं, बहुत कम, जीरो कंप्लायंस होते हैं सारे इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। देशभरात ऑक्सिजनची किल्लत नाही यायला पाहिजे। ऑक्सिजनचा सिलेंडर प्रत्येक हॉस्पिटलला बरोबर पोहोचायला पाहिजे। इथे सिलेंडरमध्ये शॉर्टेज जात आहे, तिथे मोठ्या बुलेट्स तयार करायच्या, ट्रेलर्समधनं ऑक्सिजन पुरवठा करायचं आणि त्या ऑक्सिजनचं मॉनिटरिंग करायचं। ही जी भूमिका आहे, हे 100 वर्ष जुनी ही जी ऑर्गनायझेशन आहे, शॉर्टमध्ये याला पेसो म्हणतो, पेट्रोलियम एक्सक्लुसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन, ही कार्य करत आहे। मला वाटते की ही ऑर्गनायझेशनला आपण असं म्हणू शकतो, आपल्याला पोलीस माहीत आहे की आपण त्यांना पोलिसांना वॉरियर सांगत आहे, तर मी सांगू शकतो की दे आर द ट्रू सेफ्टी वॉरियर आपण यांना सांगू शकतो। या कोविड पिरियडमध्ये ऑक्सिजन सप्लाय प्रत्येक हॉस्पिटलला व्यवस्थित पोचणं, याच्यामध्ये हे लोक खूप चांगलं कार्य करत आहे। सो एक अथॉरिटी को अलॉट करते है, जो भी स्टोरेज टैंक्स है, LPG, पेट्रोल, डीजल, इन सबको इंस्पेक्ट करना होता है, जो स्टैचुटरी टेस्टिंग में हर साल में होता है, हर दो साल में होता है, तो उसको इंस्पेक्ट करना और उसको सर्टिफाई करना वो हमारा काम है। तो पैसों ने हमको अथॉरिटी दी है, हमको अथॉरिटी दी है कि हम लोग को सर्टिफाई करें, चेक करके, तो प्रॉपरली सेफ्टी के हिसाब से और पैसों के नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग उसको चेक करते हैं और सर्टिफाई करते हैं।